सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। यह हमारी डीएवी की कक्षा 8 की पुस्तक सुरभि के प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य है। प्रश्न संख्या 1 का कार्य मैं आपको इससे पहले वीडियो में करा चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर आपको कक्षा 8 की इससे पहले की वीडियो मिल जाएंगी। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। मंजूषायां प्रदत्त पदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषायां, मंजूषायां का अर्थ होता है यह जो आपका बराबर में एक हेल्प बॉक्स के रूप में दिया हुआ है, वह आपकी मंजूषा है। प्रदत्त पदे यानी कि उनमें दिए हुए पद, रिक्त स्थानानि जो आपका रिक्त स्थान है, पूरयन्तु उनमें पूरे कीजिए या भरिए। यहाँ पर मैंने आपके रिक्त स्थान पहले ही भरे हुए हैं, क्योंकि हम साथ में भरेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो हम उनके पहले हिंदी देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपको आपकी कारिकाएं याद होनी चाहिए, तभी आप अपने रिक्त स्थानों को अच्छे से कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। सर्वे सुखिनः, यह आपकी कारिका जो प्रथम कारिका है उसी का श्लोक है। यह था आपका सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो यहाँ पर आपका अन्वय के रूप में इन्होंने दिया है, तो आपका यहाँ पे सर्वे सुखिनः आया है, तो इसके साथ में आपका भवन्तु हो जाएगा। अधमा धनम, जो अधम प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वह धन की क्या करते हैं, इच्छा करते हैं, तो आपको पता है वह आपका इच्छन्ति हो जाएगा। सत्संगति पुंसाम किम न करोति, लक्ष्मी यथेष्टम गच्छन्तु, लक्ष्मी अपनी इच्छा से गच्छन्तु चली जाए। तन मित्रम गुणान प्रकटयति, अच्छे मित्र गुणों को प्रकट करते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 2 पूरी हो जाती है। अब हम अपनी प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। मंजूषायाम उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु, यहाँ पर आपका मंजूषा का अर्थ आपका हेल्प बुक से है। उचितम उचित, अर्थम अर्थ, चित्वा यानी कि चुनकर, लिखन्तु लिखिए। आपकी मंजूषा में जो आपके इन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं वह आपको चुनकर लिखने हैं। उसके लिए भी आप तभी कर सकते हैं जब आपने अपने पाठ बहुत ध्यान से पढ़े हों, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। चेतः, चेत के लिए हृदयम, निरामयाः, निरामयः के लिए आपका रोग रहिता, वाचि, वाण्याम, धीरः, धैर्यवन्तः, संतः, सज्जनः। यह आप अपने शब्दों का यदि आपको अर्थ याद है तो आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। एतेषां यानी कि यह सभी प्रश्नानाम जो प्रश्न दिए हुए हैं, उत्तराणी उनके उत्तर एक पदे, एक पद में वदन्तु लिखन्तु च, आपको बोलने हैं और लिखने हैं। सन्मित्रम कस्मात् निवार्यति, सन्मित्रम कस्मात् निवार्यति, सन अच्छे मित्र किसका निवारण करते हैं, यह आप जानते ही हैं कि वह आपके पापों का निवारण करते हैं, तो यहाँ पर आपका पाप आ जाएगा। इसमें आपको एक बात का ध्यान देना है कि जिस विभक्ति या जिस वचन का हमारा शब्द होगा उसी विभक्ति और उसी वचन में हम उसका आंसर देंगे। तो आप देखते हैं के निंदन्तु यदि वा स्तुवन्तु, यानी कि के किसकी निंदा की जाए या उसकी प्रशंसा की जाए उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका आंसर आप जानते ही हैं कि नीति निपुणा, जो नीति से निपुण व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा की जाए या उनकी प्रशंसा की जाए उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नीति निपुणा। का पापम अपाकरोति, कौन पाप को दूर करता है, तो का के स्थान पे आप लिख देंगे सत्संगति। अधमा किम इच्छन्ति, जो अधमी व्यक्ति होते हैं वह किसकी इच्छा रखते हैं, यह आपको पता ही है कि आपके 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं और उसमें जो अधम प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वह धन की इच्छा करते हैं, तो यहाँ पर आप धन लिख देंगे। सर्वे किदर्शा सन्तु, सभी कैसे हों, इसके बारे में आप जानते ही हैं क्योंकि आपके पाठ की पहली ही कारिका है। सर्वे सभी किदर्शा किस समान हो, यानी कि सभी कैसे हों, तो
इसका आंसर होगा निरामया, सभी निरोगी हो। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। एतेषां यानी कि इन सभी प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर को पूर्णवाक्येन पूर्ण वाक्य में वदन्तु लिखन्तु च आपको बोलने हैं और लिखने हैं। पूर्ण वाक्य कहने का अर्थ है कि अभी जो आपने प्रश्न संख्या 4 देखी है वह आपकी एक पदेन थे और यह है आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, लेकिन यहाँ बच्चे ने पूर्ण वाक्य को भी एक पदेन अर्थ में लिखा हुआ है जो आपके गलत हैं। इन प्रश्नों को करने का जो सही तरीका है वह है आपका इस प्रकार है, क्योंकि आपके प्रश्न में लिखा हुआ है पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य कहने का अर्थ आपका पूर्ण वाक्य ही होता है। इसमें आप अपने प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर उत्तर लिखेंगे और अन्य जो आपके शब्द आए हुए हैं वह आप ऐसे ही अपने उत्तर में लिख देंगे। अब हम पहले प्रश्न को कर लेते हैं। संतः कस्य लक्षणं प्रवदन्ति, संतों ने किसके लक्षण कहे हैं। संतः श्रेष्ठ मित्रस्य लक्षणं प्रवदन्ति, संतों ने श्रेष्ठ मित्र के लक्षण कहे हैं। यदि आप अपनी कारिकाएं ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको इनके उत्तर देने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। धीरा कुतः पदम न परविचलन्ति, जो धैर्यशाली व्यक्ति है वह कहाँ से, यानी कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, पदम न परविचलन्ति एक पद भी विचलित नहीं होता। इसका आंसर है धीरा न्यायात् पथ पदम न परविचलन्ति, जो धीर व्यक्ति होता है वह न्याय के पद से विचलित नहीं होता। मध्यमा जना किम इच्छन्ति, मध्यम प्रवृत्ति के लोग किम माने क्या, इच्छन्ति चाहते हैं। यह आपको पता ही है कि मध्यम व्यक्ति के लोग मानम धनम च इच्छन्ति, कि मध्यम प्रवृत्ति के लोग धन और मान दोनों चाहते हैं। सत्संगति कस्याः जाड्यम हरति, जो अच्छे लोगों की संगति है कस्याः किसकी, जाड्यम यानी कि जड़ता को हरती हरती है, जो अच्छे लोगों की संगति है वह किसकी जड़ता को हरती है। तो इसका आंसर है सत्संगति धियः जाड्यम हरति, अच्छे लोगों की संगति बुद्धि की जड़ता को हर लेती है। चित्तम का प्रसारयति, चित्त यानी कि मन का प्रसारयति, कौन प्रसार करता है या उसको कौन खुश करता है। चित्तम सत्संगति प्रसारयति, चित्त को सत्संगति अच्छे लोगों की संगति प्रसारयति प्रसन्न करती है या खुश करती है। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी कि जो आपके स्थूल पद हैं, स्थूल पद आपके ये आपके शब्दों में कुछ स्थूल पद दिखाई दे रहे हैं, इन पर आप ध्यान देंगे कि इनके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनका प्रयोग करते हुए आपको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चे ने यहाँ पर मानम के स्थान पर केवल किम किया हुआ था जो सही नहीं था, उसके मैंने सही किया है कि आपको अपने प्रश्न निर्माण के जो प्रश्न करने हैं वह किस प्रकार करने हैं। उत्तमा किम इच्छन्ति, यह इसका सही रूप है। आप केवल प्रश्न निर्माण वाले स्थूल पदों के स्थान पर एक शब्द नहीं लिख सकते, आपको पूर्ण वाक्य लिखना होता है। परिवर्तन आपको केवल स्थूल पदों में करना होता है, अन्य जो आपके शब्द होते हैं वे आपको ऐसे ही अपने उत्तर में लिखने होते हैं। नीति निपुणः स्तुवन्तु निन्दन्तु वा, यहाँ पर आपका स्थूल पद है नीति निपुणः। नीति निपुणः जो आपका शब्द है वह आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द है। प्रश्न निर्माण में आपका एक नियम है कि जिस विभक्ति या जिस वचन का आपका शब्द होगा उसी विभक्ति और उसी वचन के आप प्रश्न निर्माण वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे। प्रश्न निर्माण में जो आपके किम सर्वनाम के शब्द रूप हैं वह प्रयोग किए जाते हैं। किम सर्वनाम के शब्द रूप आपके तीनों ही लिंगों में चलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। आपका जो स्थूल पद है वह किस विभक्ति किस वचन और किस लिंग का है यह आपको ध्यान रखना है। जैसे नीति निपुण आपका पुल्लिंग का शब्द है तो आप इसके लिए के का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बच्चे ने के ही लिखा हुआ था लेकिन के स्तुवन्तु निन्दन्तु वा, इस प्रकार इसका आंसर देंगे। सत्संगति दिक्षु कीर्तिं तनोति,
सत्संगति दिक्षु में आपका स्थूल पद है तो आप इसके स्थान पर प्रयोग करेंगे कुत्र। कि सत्संगति आपकी कहाँ पर कीर्ति फैलाती है, तो कुत्र आपका प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा। इसको आप सही रूप में इस प्रकार लिखेंगे, सत्संगति कुत्र कीर्ति तनोति। कि सत्संगति कहाँ पर आपकी कीर्ति फैलाती है। सन्मित्रम पापात निवार्यति, अच्छे मित्र पापों से दूर करते हैं। पापात आपका पंचमी विभक्ति का शब्द है तो इसके लिए आप पंचमी विभक्ति का शब्द ही प्रयोग करेंगे, कस्मात। तो यहाँ पर आपका बच्चे ने वन वर्ड लिखा हुआ था जो आपका सही नहीं है, इसके लिए आपका ये प्रयोग करना है, सन्मित्रम कस्मात निवारयति। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। उचितम भाव चिन्हत्वा इति चिन्हेन चिन्हतम कुर्वन्तु, यानी कि इस प्रकार का आपको चिन्ह यहाँ पर अपने इसमें करना है, उचित भावेन, यानी जो आपका शब्द दिया हुआ है या वाक्य दिया हुआ है उसका सही भाव क्या होगा, उसके लिए आपको सही का निशान यहाँ पर लगाना है। तो आपका है चेतः प्रसारयति, मन को प्रसन्न करती है, यह है इसका भाव है। तो इसमें आप देख लेंगे, पहला है आपका मनः प्रसन्नं न भवति, इसका अर्थ है मन प्रसन्न नहीं होता। मनः दुखी भवति, मन दुखी होता है। चित्तं प्रसन्नं भवति, मन प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर आपका चेतः प्रसारयति का अर्थ है चित्तं प्रसन्नं भवति। तो आप यहाँ पे सही का निशान लगा लेंगे। नीति निपुणा, नीतु निपुणा का आप अर्थ देखेंगे, यह राजनीति जानती, जो राजनीति को जानता है। यह व्यवहारे कुशलम अस्ति, जो व्यवहार से कुशल है। यहाँ पर आपका यही सही हो जाता है। फिर भी हम अपने आखिरी वाक्य की हिंदी समझ लेते हैं, यह राजनीति पाठ्यति, जो राजनीति को पढ़ाता है। इसमें आपने देखा कि आपके ये दो सही हैं। इसको आपको करने के लिए अपनी कारिकाएं ध्यान से पढ़नी होगी। यदि आपको अपनी कारिकाएं याद हैं तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। अब आपके मूल्यांकन प्रश्न हैं, इनको आप खुद करेंगे। यदि कोऽपि दुष्टानां संगति करोति तर्हि तस्य का हान्य भवन्ति, इसके आप हिंदी समझ लीजिए ताकि आपको इन प्रश्नों को करने में आसानी हो। यदि यदि कोऽपि कोई दुष्टानां दुष्टों की संगति, संगति यानी कि कोई दुष्टों के साथ संगति करता है या उनका साथ कोई दोस्ती करता है, तर्हि तो तस्य उसके या उसकी क्या क्या हानि होती है, यह आपको खुद बताना है। क्योंकि आपने अपना पाठ पढ़ा हुआ है कि संगति, अच्छे लोगों की संगति से आपको क्या क्या लाभ है, तो अब आपको जो बताना है कि दुष्टों की संगति से आपको क्या क्या हानि हो सकती है, यह आप स्वयं करेंगे। किम भवान भवति वा कदापि स्वमित्रस्य आपातकाले सहायता अकरोत्, किम कि क्या भवान भवति कि आपने, यहाँ पर भवान लड़कों के लिए और भवति लड़कियों के लिए प्रयोग हुआ है, कि क्या आपने कभी स्वमित्र से अपने दोस्त की आपातकाले विपत्ति के समय सहायता एवं सहायता अकरोत की थी, क्या आपने अपने किसी मित्र की विपत्ति में सहायता की थी। स्व अनुभानम लिखंतु, अपने अनुभव को लिखिए, यह भी आपको खुद करना है क्योंकि आपने ही अपने दोस्त की सहायता की होगी। गतिविधि, गतिविधि प्रश्न आपके स्वयं ही आपको करने होते हैं। सामूहिक रूपेण व्यक्ति रूपेण च श्लोकान सा स्वर वाचनम कुर्वन्तु, सामूहिक रूपेण यानी कि समूह में, व्यक्ति रूपेण च और व्यक्तिगत रूप में श्लोकान श्लोकों का स्व स्वर यानी कि अच्छे स्वर के साथ वाचनम कुर्वन्तु आपको बोलने हैं। पाठात भिन्नम एकम अन्यत नीति श्लोकम अन्विष्य अभ्यास पुस्तकायाम लिखन्तु, यहाँ पर पाठात यानी कि जो आपको इस पाठ में पढ़ाए गए हैं उनसे भिन्नम भिन्न, उनसे अलग, एकम एक, अन्यत कोई, उनसे अन्य कोई आपको एक नीति श्लोक अन्वेक्ष्य यानी कि खोज करके अभ्यास पुस्तिकायां लिखन्तु, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर आपका प्रथम पाठ समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।